असलम एवरी वन हमारे साथ मियाँ रजा मौजूद है मियाँ अली रज़ा का ताल्लुक़ फ़ोटी एट कॉमन से है और पुलिस सर्विस में इस टाइम जो है इनकी एलोकेशन हुई है तो मेरे साहब आपका काफ़ी जो है वो तजर्बा तो है पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड आप पढ़ाते भी हैं बच्चों को तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो पेपर इस बार आया सी एस एस दो हज़ार इक्कीस का उसमें एक तो पेपर किस तरह का था और इससे दो हज़ार बाईस की अटैम्प्ट वाले कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं अच्छा हमदा साहब अगर पेपर को देखें दो हज़ार इक्कीस का जो पाकिस्तान अफेयर्स का आया है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो दैट इज़ मोर ऑफ अ करंट अफेयर पेपर हुँ, हुँ. आप उसमें प्री पार्टीशन उसने सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है जो उसने स्लाइटली टच किया है प्री पार्टीशन को हुँ. बाकी सारे का सारा पेपर अगर मैं मुबालगाई ना करूँ तो वो पोस्ट पार्टीशन है और मोर प्रिसली कंटेम्प्रेरी इशूज़ पर है बिल्कुल ठीक दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पेपर में वो ये है कि उसने नैरोडाउन किया है टॉपिक स्पेसिफिक जनरलाइज सिर्फ एक क्वेश्चन आया है जो पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस पे है बिल्कुल ठीक है बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो टॉपिक स्पेसिफ़िक हैं और रिकमेंडेशन और प्रैगमेटिक अप्रोच के साथ आ, हल होने वाले सारे क्वेश्चन हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल के तौर पर इसका पहला जो क्वेश्चन है वो कश्मीर इशू पे है, है। लेकिन अग, अगर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप पढ़ें तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें जो कश्मीर इशू उसने 5 अगस्त जो न्यू इंतफादा आया है कश्मीर मूवमेंट में उसके बाद उसने उस चीज़ को डिस्कस करना पसंद भी किया और वो कैंडिडेट से उसका जवाब भी वैसे ही चाह रहा होगा ठीक है दूसरा क्वेश्चन है वो अफ़गान पीस प्रोसेस पे जैसा कि हम एंटिसपेट कर रहे थे क्वेश्चन आएगा लेकिन उसने उसको पिन पॉइंट कर दिया है अफगान लेड एंड अफगान ओन पीस प्रोसेस से तो हम वो नाइन अलेवन से पहले नहीं शुरू होंगे बिल्कुल हम बात करेंगे जो कंटेम्प्रेरी पोलिटिकल सोल्यूशन है अफगानिस्तान का और जिसमें पाकिस्तान एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो सी पैक पे है तो सी पैक पे क्वेश्चन उसने बिल्कुल ऐसे नहीं दिया कि जी सी पैक इज़ अ गेम चेंजर वो वाला क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन प्रिसाइजली उसने सी पैक का जो फेज़ टू है और फेज टू जिसमें इंडस्ट्रियल जोन हम बनाएंगे उसको हिट कर रहा है अगर उससे अगला क्वेश्चन देखें तो सिग्निफिकेंस ऑफ रीनबल एनर्जी सोर्स ये एक जेनेरिक क्वेश्चन है उसके बाद पाकिस्तान का जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है उस पर उसने बात की है जो कि बड़ा हॉट इशू चल रहा है आजकल मीडिया exactly. में भी फिर पोलिटिकल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन है ये अगेन जेनेरिक क्वेश्चन है लेकिन उसने उसको पोलिटिकल स्टेबिलिटी को इकोनॉमिक प्रॉस्पैरिटी से लिंक किया है जब आप पोलिटिकल स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे पेपर में तो आप उसको इकोनॉमिक फ्रंट पे ही रह कर डिस्कस करेंगे उससे बाहर नहीं जाएंगे आ, लास्ट क्वेश्चन जो मैं जैसे बता रहा था कि प्री पार्टीशन सिर्फ एक क्वेश्चन है वो भी उसने स्लाइटली टच किया है तो ये जो पेपर था पाकिस्तान अफेयर्स का ये जो कैंडिडेट हल करके आ चुके हैं दो में उनके लिए तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया आगे आने वाले बच्चों के लिए ये इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो 2022 में प्री पार्टीशन को टच नहीं करेगा लेकिन अगर हम एग्ज़ामिनर की माइंड सेटअप चेक करें तो वो मोर ऑफ कंटम्प्रेरी इशूज़ को ज़्यादा देखता है और कंटैंप्रेरी इश्यूज जेनेरिक नहीं पिन पॉइंट करके hmm. पूछता है तो आपको एक तो इन्फॉर्मेशन आर्गूमेंट्स और तीसरा जो रेलिवेंट uh, एग्ज़ाम्पल्स हैं वो आनी चाहिए बाकी ये जो हमने दुराने गुफ्तु पिछले सेशन में भी ये चीज़ बताई थी कुछ एंटिसपेड टॉपिक थे वो वैसे के वैसे ही आ गए हैं लेकिन पिन पॉइंट करके हैं जी सर एग्जैक्टली थैंक यू सो मच मियाँ साहब